आज एक खास मुलाकात राज्यसभा के सांसद रहे नीरज शेखर जी के साथ। बीजेपी ने इनको कमल खिलाने की दी है जिम्मेदारी। सर, जो बीजेपी का नारा है 400 के पार, विपक्ष कहता है कि आपके पास कुछ ऐसी चाबी है जो 400 के पार। हाँ, चाबी है हम लोग के पास, लोगों का विश्वास, लोगों का विश्वास मोदी जी में और मोदी जी की गारंटी, इसी के ऊपर हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग इस बार 400 के पार जाएंगे। जो काम करके दिखाया हमने 10 सालों में, उससे हमें विश्वास है कि लोग अपना आशीर्वाद हमारी पार्टी को देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। जब आप काम करेंगे तो आपकी संख्या बढ़ेगी। हमने 2014 में हमारे पास 282 था, अब 2019 में 303 हुआ। वो उपचुनाव में हम लोग और आगे बढ़ गए, तो मुझे हमें पूरा विश्वास है कि NDA इस बार 400 पार होगा। नीरज जी, विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी पे आप लोग कुछ बोलते नहीं। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते, काम किया है हर विपक्ष। तो क्या बोल रहा है विपक्ष, कहाँ बोल रहा है विपक्ष, तो बस कह रहा है कि जाति जनगणना कराएंगे। विपक्ष नहीं, हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य, माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि हम लोग चार लोगों पर फोकस कर रहे हैं, युवाओं पर, महिलाओं पर, किसान पर और गरीब पर। तो नौजवान, नौकरी किसको चाहिए, नौजवान को, तो फोकस उसी पे हम लोगों का। जब विकास होगा तो नौकरियां होंगी और हो रहा है ऐसा, हर जगह हम लोग नौकरी दे भी रहे हैं और ऐसे भी नौजवान बना रहे हैं जो नौकरी दें, दोनों तरह के लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं दोनों। जो राजनीतिक सरगर्मियाँ थी, वीरेंद्र सिंह मस्त थे यहाँ से सांसद, उसके बाद नीरज शेखर जी आपको यहाँ पर उतारा गया। अगर मैं बलिया सीट की बात करूँ, नीरज जी किससे अपना मुकाबला मानते हैं? मैं मुकाबला जो आएगा सामने उससे है, लेकिन लड़ाई क्या होगी वो तो लोग तय करेंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं पिछले 10-12 दिन से घूम रहा हूँ, जो आशीर्वाद लोगों से मिल रहा है, इतनी गर्मी में इतने सारे लोग आके मिल रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें जो जोश है, तो मुझे नहीं लगता हम लोग की लड़ाई किसी से भी होगी। लोग कहते हैं कि बुलडोजर आप लोग चलवाते हैं, बुलडोजर से विकास नहीं होता, किसी एक जाति बिरादरी को ही आप टारगेट करते हैं। किसी जाति बिरादरी को, किसी को नहीं टारगेट किया जाता है। अगर कोई गलत काम करेगा, किसी का उत्पीड़न करेगा, गुंडागर्दी करेगा, तो वो तो उस पर कार्रवाई होगी, तो कानूनी कार्रवाई है उसमें। अगर क्या नहीं करना चाहिए, अगर कोई किसी का कहीं ऐसी बात हो तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कानून नहीं है इस देश का क्या कोई, तो वो कानूनी कार्रवाई होती है और वो होगी। अगर इस प्रदेश में अगर निवेश आया है, अगर लोग आ रहे हैं यहाँ पे बाहर से इन्वेस्ट करने, तो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी ख़त्म हुई है। तो उसमें मेरे को समझ में नहीं आता विपक्ष के लोग कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर अपराध करे उसको छोड़ दिया जाए, तो ये तो मेरे को तर्क समझ में नहीं आ रहा है। नीरज जी, अगर मैं कहूँ बच्चों के चेहरे खिले थे जब यूपी पुलिस की भर्ती आई, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ऑन कैमरा नीरज जी से, ISPCS की परीक्षाएं लीक नहीं हो पाती, लेकिन आप लोग यूपी पुलिस की परीक्षाएं लीक हो गई, बहुत सारी परीक्षाएं, उसके लिए हम लोग कानून ला रहे हैं नया। और आपको जानकर खुशी होगी, आ भी गया, इंट्रोड्यूस हो गया, मेरे ख्याल से पहला सत्र होगा उसमें ये कानून आएगा और बहुत सख्त कानून है। उनको बहुत ज़्यादा दंडित किया जाएगा जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं उसको दूर किया जा रहा है, ऐसा कार्य आगे नहीं होगा ये निश्चित कर रही है हम लोग की प्रदेश की सरकार। बलिया से आशीर्वाद मांगना है हमें तो, मैं यहाँ 17 साल से हूँ और सब लोग मुझे जानते हैं, बलिया लोकसभा के विशेषकर लोग, बलिया और गाजीपुर के लोग, सब लोग जानते हैं मुझे, मैं उनके बीच रहा हूँ। मैं उनसे आग्रह यही कर सकता हूँ कि मेरे लिए नहीं, इस देश के भविष्य के लिए आप लोग मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, क्योंकि वही व्यक्ति है जो इस देश का विकास करेगा और इस देश के सम्मान के लिए काम करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और बलिया एक हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से सनातन पांडे से लेकर बसपा ने भी उतारा है। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।